खबर राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां नशेड़ियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने अब नशेड़ियों को सुधारने के लिए खुद ही बीड़ा उठा लिया है। आपको बता दें कि ताजा तस्वीरें कोतवाली विकासखंड क्षेत्र के धर्मावाला कुंजा मार्ग की है, जहां नशेड़ियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने हाथों में डंडा उठाकर नशेड़ियों और नशाखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने रिक्शे में बैठी एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी की। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने धर्मावाला कुंजा पर चलने वाले ई रिक्शा चालकों की परेड करा दी। साथ ही दर्जनों ई रिक्शा चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी ई रिक्शा चालक या फिर ई रिक्शा में सवार कोई नशेड़ी गांव की उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी हरबर्टपुर और धर्मावाला पुलिस को भी दी जा रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आप ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं, ई रिक्शा की परेड कराई गई है, क्या है मामला? मामला जो मैं ले हूँ स्मैक को लेके आए दिन स्मैक वाले बाहर से आते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। वो स्मैक को लेके स्मैक पीने आते हैं स्पेशल, और जो हमारे ई रिक्शा चालक हैं उनको भी परेशान करते हैं, उनके साथ भी मारपीट कई बार हुई है। नहीं, नहीं, तो आपकी तरफ से क्या इसमें एक्शन लिया जा रहा है? जैसे आप प्रधान हैं, मेरे खिलाफ जो मेरे अधिकार में आता है, अगर कोई मेरा चालक ई रिक्शा चालक कोई इसमें पिया हुआ बिठा। नाम विजय चौहान है, आदूवाला से मैं बिलोंग करता हूं। आज ये जो सामूहिक बैठक बुलाई गई, इसका उद्देश्य था कि लोगों को ये मैसेज पहुंचे कि इस गांव में स्मैकियों के खिलाफ गांव वाले इकट्ठे हो चुके हैं, कृपया करके इस गांव की तरफ अग्रसर ना हो, क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में हमारी माताओं बहनों के साथ छेड़खानी की गई, और तो और हमारे काश्तकारों के खेत में से मक्की तक तोड़ के ले गए। सोचने वाला विषय है, अगर ऐसी घटना बढ़ती रही तो शायद इसको रोकना असंभव होगा। इसलिए निवेदन करेंगे हम चौकी प्रभारी से भी, चौकी इंचार्ज से भी, सीओ साहब से भी, कि इनको अंकुश लगाया जाए, इनको चिन्हित किया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इनको सचेत करना चाहेंगे कृपया, क्योंकि अब गांव वालों ने ये। मैं आपका किस गांव से? मेरा नाम रवि रावत है, मैं ग्राम शाहपुर कल्याणपुर का निवासी हूँ। मामला क्या है, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं? मामला है ये, क्या बोले, गांव में स्मैक आ रहे बाहर के लोग और स्मैक लेने जाते हैं ई रिक्शे से, अपनी बाइकों से। तो कल परसों एक घटना हुई, हमारे गांव की लड़की गई, एक बच्ची स्कूल जा रही थी, तो उसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी और उनका रोज का आना जाना लगा हुआ है स्मैक वालों का, और स्मैक में सम्मिलित रहते हैं, पूरी रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। तो इस विषय पर यहाँ सभी गाँव वाले इकट्ठे हुए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए।